नंबर ऑफ बेसिस ऑफ एसआई यूनिट्स इज सेवन। नंबर ऑफ बेसिस एसआई यूनिट 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 इज सेवन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा है जो एनर्जी का यूनिट नहीं है, तो वाट आपका क्या है एनर्जी का यूनिट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, वाट, ओके, कैलोरी, जूल, इलेक्ट्रॉन, ये टोटल क्या है एनर्जी का यूनिट है। कैलोरी, जूल, इलेक्ट्रॉन, ये सभी क्या है, कैलोरी, जूल, इलेक्ट्रॉन, वोल्ट, इलेक्ट्रॉन, वोल्ट, इलेक्ट्रॉन, वोल्ट, कैलोरी, जूल, इलेक्ट्रॉन, वोल्ट, ये एनर्जी का यूनिट, कैलोरी, जूल, इलेक्ट्रॉन, वोल्ट, कैलोरी, जूल, इलेक्ट्रॉन, वोल्ट, कैलोरी, जूल, इलेक्ट्रॉन, वोल्ट, ये एनर्जी का यूनिट है, कैलोरी, जूल, जूल, इलेक्ट्रॉन, वोल्ट, ये क्या है एनर्जी का यूनिट है, लेकिन वाट आपका नहीं है। लाइट ईयर इज इक्वल टू डिस्टेंस, ओके, लाइट ईयर इज इक्वल टू डिस्टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ द टाइम, तो देखो माइक्रो सेकंड है टाइम का यूनिट, लीप ईयर भी टाइम का यूनिट है, और सोलर डे भी क्या है आपका टाइम का यूनिट है, लेकिन पैरेलेटिक सेकंड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ द टाइम, तो कौन सा यूनिट नहीं है टाइम का, तो पैरेलेटिक सेकंड जो है टाइम का यूनिट नहीं है, बाकी टाइम का यूनिट है माइक्रो सेकंड, लीप ईयर, सोलर डे, 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 ये आपका क्या है यूनिट ऑफ टाइम है। इनमें से कौन सा है जो यूनिट ऑफ द टाइम है, तो माइक्रो सेकंड होगा, लीप ईयर भी होगा, सोलर डे भी होगा, ये तीनों ही क्या है आपका टाइम का यूनिट है। वन फर्मी मीटर इज इक्वल टू 10^-15 मीटर, ठीक है। आपको हम ये भी बता चुके हैं दोस्तों कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है 10^-15 मीटर, बताया था किसने, रदरफोर्ड ने, नाइट्रोजन की खोज भी रदरफोर्ड ने किया था, ओके, तो 10^-15 मीटर जो होता है ये किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था। और एक फर्मी मीटर इक्वल टू कितना होता है 10^-15 मीटर, मीन्स क्या हुआ न्यूक्लियस का साइज, ओके, न्यूक्लियस का साइज होगा 10^-15 मीटर, ओके। एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला। एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज क्या होगा, कैंडेला होगा। एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होगा, कैंडेला होगा। एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा, कैंडेला, 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 कैंडेला होगा, ठीक है। ऐसे बोलते रहिएगा दोस्तों आप तो याद हो जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कॉल द कैंडेला। एसआई यूनिट ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कौन सा होगा, कैंडेला होगा, ओके। पार्सेक इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, पार्सेक इज द यूनिट मेजरमेंट कौन सा होगा, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, पार्सेक इज यूनिट मेजर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। पार्सेक यूज करते हैं किस कहाँ, और एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस में, पार्सेक इज यूनिट मेजर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, पार्सेक इज यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, पार्सेक इज यूनिट मेजर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, पार्सेक इज यूनिट मेजर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस से मापने के लिए पार्सेक यूनिट का यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को मापने के लिए पार्सेक यूनिट का यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को मापने के लिए पार्सेक यूनिट का यूज करते हैं। वन लाइट ईयर्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू,
कितना होता है? 10^16 मीटर होता है। 1 लाइट इज इक्वल टू 10^16 मीटर होता है। 1 लाइट इज इक्वल टू 10^16 मीटर होता है। 10^16 मीटर, 10^16 मीटर 1 लाइट इक्वल टू होता है अप्रोक्सीमेटली। 1 लाइट ईयर्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10^16 मीटर। 1 लाइट ईयर्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10^16 मीटर होगा। ओके, 1 लाइट ईयर्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10^16 मीटर। 16 मीटर 10^16 मीटर होगा। 1 लाइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 16 मीटर। 10^16 मीटर 10^16 मीटर होगा। 1 लाइट ईयर्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10^16 मीटर होगा। ओके, हाई स्पीड का यूनिट कौन होगा? हाई स्पीड का यूनिट होगा आपका मैक का, ठीक है। हाई स्पीड का यूनिट कौन होगा? मैक होगा। वेव लेंथ का यूनिट कौन होता है? एंगस्ट्रम होगा। वेव लेंथ का यूनिट एंगस्ट्रम। हाई स्पीड का मैक होगा। हाई स्पीड का यूनिट कौन होगा? मैक होगा, MCH मैक। हाई स्पीड का यूनिट, हाई स्पीड का मैक हाई स्पीड का यूनिट मैक होगा। और वेवलेंथ का यूनिट एंगस्ट्रम होगा। वेवलेंथ का यूनिट कौन होगा? एंगस्ट्रम होगा। वेवलेंथ का यूनिट कौन होगा? एंगस्ट्रम होता है। वेवलेंथ का यूनिट कौन होगा? वेवलेंथ का यूनिट कौन होता है? एंगस्ट्रम होता है। वेवलेंथ का यूनिट कौन होगा? एंगस्ट्रम। वेवलेंथ का यूनिट कौन होगा? एंगस्ट्रम होगा। प्रेशर का यूनिट कौन होगा? पास्कल होगा। प्रेशर का यूनिट कौन होगा? पास्कल। प्रेशर का यूनिट पास्कल होगा। प्रेशर का यूनिट कौन सा होगा? पास्कल होगा। एनर्जी का यूनिट जूल होगा, जूल होगा, ठीक है। एनर्जी का यूनिट कौन होगा? जूल होगा। एनर्जी का यूनिट कौन होगा? जूल होगा। ओके, जूल यूनिट किसका होता है? वर्क का। जूल यूनिट किसका होता है? वर्क का। जूल यूनिट किसका होता है? वर्क का। जूल यूनिट होता है वर्क का। जूल यूनिट होगा किसका? वर्क का। जो जूल है आपका यूनिट वर्क का होगा। एम्पियर यूनिट है करंट का। ओके, वाट यूनिट है पावर का। अब वोल्ट यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का। ओके, और कैलोरी यूनिट है हीट का। तो आपका आंसर हो गया जाएगा ये वाला। ओके, तो जूल का यूनिट कौन हो गया? वर्क का यूनिट कौन होता है? जूल होता है। वर्क का यूनिट जूल होता है। जूल होता है वर्क का यूनिट जूल वर्क का यूनिट कौन होगा? जूल होता है। वर्क का यूनिट कौन होगा जूल होगा, ठीक है। एम्पेयर किसका यूनिट है? करंट का यूनिट कौन है? एम्पेयर। करंट का यूनिट कौन है एम्पेयर है। जूल किसका यूनिट होगा? वर्क का। ओके, पावर का यूनिट कौन होगा? वाट होगा। पावर का यूनिट कौन होगा वाट होगा। ओके, पावर का यूनिट कौन होगा वाट होगा, ठीक है। पावर का यूनिट कौन होगा? वाट होगा। अब वोल्ट का यूनिट कौन होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वोल्ट का यूनिट कौन होगा पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट किसका यूनिट है?
पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस का वर्क का यूनिट जूल, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, वोल्ट वोल्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट कौन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट कौन होगा, वोल्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट कौन होगा, वोल्ट होगा, ओके। कैलोरी, कैलोरी जो होगा हीट का यूनिट होगा, कैलोरी जो होगा हीट का यूनिट होगा, कैलोरी जो होगा हीट का यूनिट होगा। कैलोरी किसका हीट, हीट का यूनिट होगा। तो हीट का यूनिट कौन है, कैलोरी, कैलोरी कैलोरी कैलोरी। हीट का यूनिट कौन है, 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 कैलोरी। हीट का यूनिट कौन होगा, कैलोरी होगा। हीट का यूनिट कौन होगा, कैलोरी होगा। हीट का यूनिट कौन होगा, कैलोरी होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट। वर्क का जूल, वर्क का जूल। पावर का वाट, पावर का वाट होगा। करंट का एम्पियर, एम्पियर इज यूनिट ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। एम्पियर यूनिट किसका, करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, ओके। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो होगा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है, पर सेकंड का स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट कौन होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट कौन होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट कौन होगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। एक्सेलरेशन का यूनिट कौन होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। एक्सेलरेशन का यूनिट कौन होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। एक्सेलरेशन का यूनिट कौन होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। फोर्स का यूनिट कौन होगा, फोर्स का यूनिट कौन होगा, न्यूटन होगा। फोर्स का यूनिट कौन होगा, न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन, न्यूटन न्यूटन। फोर्स, फोर्स 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 का यूनिट कौन होगा, न्यूटन होगा। फोर्स का यूनिट कौन होगा, न्यूटन होगा। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट कौन होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा। वर्क डन का जूल होगा, वर्क डन का यूनिट कौन होगा, जूल होगा। वर्क डन का यूनिट कौन होगा, जूल होगा, न्यूटन होगा। फोर्स का एक्सेलरेशन होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो इम्पल्स का, इम्पल्स का क्या होगा, न्यूटन सेकंड होगा, ओके। इम्पल्स न्यूटन सेकंड स्क्वायर आपका, तो ये आंसर हो गया, ओके। तो इम्पल्स, इम्पल्स का यूनिट कौन होगा, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। इम्पल्स, 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 इम्पल्स का यूनिट कौन होगा, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड होगा। इम्पल्स का यूनिट कौन होगा, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड, न्यूटन का सेकंड, न्यूटन सेकंड होगा, न्यूटन सेकंड होगा, ठीक है। फोर्स का यूनिट है न्यूटन। वर्क डन का यूनिट कौन होगा, जूल होगा। इम्पल्स का यूनिट कौन होगा, न्यूटन सेकंड। इम्पल्स का यूनिट कौन होगा, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। इम्पल्स का यूनिट कौन होगा, न्यूटन सेकंड। इम्पल्स का यूनिट कौन होगा, न्यूटन सेकंड। इम्पल्स का यूनिट कौन होगा, न्यूटन सेकंड। एक्सेलरेशन का मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो एसआई यूनिट की जो होगा, यंग्स मॉडल इलास्टिसिटी का यूनिट कौन होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडल इलास्टिसिटी का यूनिट कौन होगा, यंग्स मॉडल इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडल इलास्टिसिटी। एसआई यूनिट क्या होगा, यंग्स मॉडल इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडल इलास्टिसिटी का यूनिट कौन होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ यंग्स मॉडल इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडल इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडल इलास्टिसिटी। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ यंग्स मॉडल इलास्टिसिटी, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। एसआई यूनिट ऑफ यंग्स मॉडल इलास्टिसिटी कौन होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
यंग्स मॉडल इलास्टिसिटी का यूनिट कौन होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। यंग्स मॉडल इलास्टिसिटी का यूनिट कौन होगा? यंग्स मॉडल इलास्टिसिटी का यूनिट कौन होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडल इलास्टिसिटी का यूनिट कौन होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। यंग्स मॉडल इलास्टिसिटी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट ऑफ यंग्स मॉडल इलास्टिसिटी कौन होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर का यूनिट कौन होता है? पास्कल होता है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर। एसआई यूनिट कौन होगा? प्रेशर होगा। एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर, प्रेशर का पास्कल होता है। एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर का पास्कल होगा। न्यूटन जो होगा फोर्स का होगा। जूल होगा एनर्जी का। ओके, तो एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर पास्कल होगा। ठीक है, प्रेशर का यूनिट पास्कल जबकि फोर्स का यूनिट न्यूटन। ओके, फोर्स का यूनिट कौन होगा? क्यूरी इज यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। डेसीबल इज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। डेसीबल जो होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड होता है। ठीक है, डेसीबल इज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, डेसीबल इज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इन द रिलेशन ऑफ अल्फा बराबर बीटा टी प्लस लैम्डा है, तो अल्फा बीटा को मेजर करते हैं एम में और टी सेकंड में। ठीक है, तो एस आई टी सेकंड का टाइम को एस से मेजर करते हैं, मीटर को एम से मेजर करते हैं। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ बीटा का क्या होगा? तो एम एस इनवर्सली होगा। ये मैथ है। व्हेन अ कार स्टार्ट सडनली फ्रॉम द रेस्ट, एक कार है जो सडनली रेस्ट से क्या होता, चलना चालू होता, तो जैसे ही चलना चालू होता तो आदमी पीछे भटकना, पीछे गिर जाता है। ठीक है, सिटिंग इनसाइड द कार मूव्स बैकवर्ड, तो पीपल क्या होता, पीछे की ओर मूव्स होता है। दिस इवेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ कहलाता है। न्यूटन क्या है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहलाता है। ए कार स्टार्ट सडनली फ्रॉम द रेस्ट, ए कार स्टार्ट फ्रॉम द सडनली रेस्ट। ठीक है, सडनली रेस्ट से। पीपल सिटिंग इनसाइड अ कार बैकवर्ड, दिस इवेंट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ। ओके, न्यूटन फर्स्ट लॉ का। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है एवरेज डिस्टेंस किसका होगा? अर्थ एंड सन के बीच का। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है अर्थ एंड सन का। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। One astronomical unit is the average distance between Earth and Sun होगा। ठीक है, अर्थ एंड सन यानी पृथ्वी और सूर्य, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या, किससे मेजर करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से डिस्टेंस करते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर पृथ्वी और सन के दूरी को कहते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इंटरनल फोर्स होता है ऑलवेज बैलेंस।
इंटरनल फोर्स क्या होता है, ऑलवेज बैलेंस होता है। इंटरनल फोर्स जो होगा ऑलवेज बैलेंस होगा, इंटरनल फोर्स जो